जस्ट थोड़ा सा एक मोड आपको बताना चाहूंगा। एक होता है, उसको बोलते हैं रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। वो क्या होता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है, जैसा कि हमारा CO2 में है, तो IR मोड्स एक्टिव हैं तो रमन इनएक्टिव हो जाएंगे इन ओनली लीनियर मॉलिक्यूल, और जिनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, वैसे लीनियर मॉलिक्यूल में ही सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, रमन इनएक्टिव। ठीक है, और रमन एक्टिव मोड्स ऑफ आयर इनएक्टिव। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो पहले अब हमें नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड कैलकुलेट करने हैं। वाइब्रेशन CO2 लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 3 × 3 − 5 तो 4 होने चाहिए। 9 − 4 इज 9 − 4 = 5 इज 4। ठीक है, तो हम ड्रॉ करते हैं। पहला तो हो गया, देखो मैं इसमें एनिमेशन नहीं कर सकता हूं क्योंकि जस्ट एक पेपर है। ठीक है, लेट्स से कि अगर दोनों को दोनों, मतलब क्या बोलते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में, एक प्लस एक्स में है, इसको माइनस एक्स बोल देते हैं, इसको प्लस एक्स बोल देते हैं। ठीक है ना, अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में, मतलब बॉन्ड की लेंथ स्ट्रेच कर रहे हैं, तो वी विल कॉल इट स्ट्रेचिंग मोड, ये सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। ठीक है, ठीक है, अगर हम ये सेम तरफ मूव कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। ठीक है, अगर, और अगर तुम, अगर हम इसमें, मतलब क्या बोलेंगे, अगर ये बॉन्ड मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे, तो उसको बोलेंगे बेंडिंग मोड्स। ठीक है, और इसके अलावा एक और, मतलब इसका ही वो है, डिजनरेट मोड बोलते हैं उसको। लेट से कि ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, देखिए ये जो चीज हो रही है प्लेन में हो रही है, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन हो रही है, बस यही फर्क है। ठीक है, अब थोड़ा सा मेरे को जगह चाहिए रहेगी, इसमें स्पेस थोड़ा चाहिए। ठीक है, तो अगर स्पेस चाहिए तो क्या होगा भाई, स्पेस किस लिए चाहिए, तो मुझे वैल्यूज भी तो चाहिए ना, मेरे तो मोड से गायब हो गया यार, बड़ा खतरनाक है, मोड्स गायब हो गया तो दिक्कत होता है। इसकी वैल्यू आती है समवेयर अराउंड 1300, मैं एक रफ वैल्यू बता रहा हूं। ठीक है, किसमें ये अभी मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, कहां पर आएगा ये चीज हम डिसाइड करेंगे। इसकी वैल्यू होगी 1300 cm − 1, इसकी वैल्यू होगी 2 3। ठीक है, इसकी वैल्यू होगी 2 3 4 9 cm − 1, इसकी वैल्यू रहेगी, इसकी वैल्यू रहेगी 667, मतलब एग्जैक्ट नहीं, 660 के अराउंड भी हो सकती है, 600 के अराउंड भी हो सकती है। और अगर जो जो ये रहेगी तो डिजनरेट मोड है, तो ये वैसे है। तो मेरा कहना क्या है कि इस वाले में, अच्छा ये बताइए कि डायपोल मोमेंट चेंज हुआ है, देर इज नो चेंज इन द डायपोल मोमेंट। ठीक है, जो इस डायरेक्शन में बढ़ा वो इसी डायरेक्शन में बढ़ गया, तो नेट चेंज तो जीरो है, देर इज नो चेंज इन डायपोल मूवमेंट, दैट्स वाई इट इज एन आयर इनएक्टिव, इट इज एन आयर इनएक्टिव मोड। और अगर ये आयर इनएक्टिव है तो ये क्या हो गया, रमन एक्टिव, यानी डेल एल्फा बाई डेल क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये क्या है, रमन एक्टिव। चलो पहला हो गया, अब मुझे बताओ इस वाले में डायपोल मूवमेंट चेंज होगी, ऑब्वियस चेंज होगी भाई, क्यों नहीं चेंज होगी, इसमें डायपोल मोमेंट चेंज होगी। तो अब अगर इसमें डायपोल मोमेंट चेंज हो गई तो ये आईआर एक्टिव हो गया, ये वाला रमन इनएक्टिव हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, सेम, ये भी आईआर एक्टिव हो गया और रमन इनएक्टिव हो गया। ठीक है,
हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, अब हम स्पेक्ट्रा इसका इस बेसिस पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। लेट्स से इसका अगर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा अगर हम ड्रॉ करेंगे, और ठीक है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा अगर हम इसको ड्रॉ करें, यहां पर क्या है हमारा ट्रांसमिटेंस है, तो अगर ऐसे ट्रांसमिटेंस रहेगा तो ऐसे एब्जॉर्बेंस रहेगा, ठीक है। ये वेव नंबर है, सेंटीमीटर माइनस वन है, और ये 4000 से स्केल थोड़ा सा करना पड़ेगा ना, 4000, तो इसको 3000 मान लेते हैं, इसको 2000 मान लेते हैं, इसको 1000 मान लेते हैं। इक्वल इक्वल स्पेसिंग करने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज ये मत बोल देना कि सर इक्वल नहीं है, रफ डायग्राम बेटा समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो अगर मैं वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा लूंगा ना इसका आयर स्पेक्ट्रा, तो मेरे को दो ही पीक मिलेगी। कौन कौन सी पीक मिलेगी? एक मिलेगी 2300 कह रहा हूं, यहां पे इस तरीके से कुछ 2300 के राउंड मिलेगी। और ये जो हम्प है, ये इसको पोलराइजेशन हम बोलते हैं, लेकिन मैं आपको मतलब ये चीज ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, आप समझिए। आपको दो मोड्स मिलेंगे, नेक्स्ट मोड कहां पे मिलेगा? 667 पे। थोड़ा मतलब ये और भी इंटेंस होते हैं, इनकी इंटेंसिटी अच्छी खासी होती है, ठीक है। और एक रहेगा मिस, कौन से वाला? 1300 वाला। तो 1300 वाला आपको नहीं दिखाई देगा, 2300 वाला दिखाई दे जाएगा, 650 वाला भी आपको दिखाई दे जाएगा, किसमें? आईआर स्पेक्ट्रा में। लेकिन अगर इसी का रमन स्पेक्ट्रा लेंगे तो एग्जैक्टली 1300 के अराउंड ये है। तो यही बताता है रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन, हाउ टू, यही चीज मेरे को स्टाइल खराब लगती है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो अगर आयर एक्टिव है तो रमन इनएक्टिव हो जाएगा, रमन इनएक्टिव है तो ठीक है आयर एक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अगेंस्ट में मतलब मैं चाहता हूं तो इसकी छोटी वीडियो भी बना सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको ये चीज एक स्पेक्ट्रा से और एक बारे में एक ही वीडियो में समझ में आ जाए। लेट्स से कि अगर आप वाटर मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा लेने की कोशिश करोगे, तो इट्स अ नॉन मीडियम मॉलिक्यूल, 3N-6 -9-6, मतलब 3 मोड्स रहेंगे। अगेन स्ट्रेचिंग मोड रहेगा, ठीक है, यहां पर सॉरी एंटी जीरो टू एंटीसिमेट्रिक हो गई, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग हो गई, ये हमारी एंटी सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग हो गई, ये हमारी बेंडिंग मोड्स हो गए, ठीक है, ये हमारे बेंडिंग मोड्स हो गए, ठीक है। तो ये चीज समझने की कोशिश करना कि अगर ये समवेयर अराउंड रहेगा 3756 के अराउंड सेंटीमीटर माइनस वन, ये रहेगा 3500 के अराउंड सेंटीमीटर माइनस वन, ये रहेगा समवेयर 1500 के अराउंड। एग्जैक्टली अगर आप आयर स्पेक्ट्रा लोगे, मैं ड्रॉ भी कर देता हूं, ज्यादा कुछ इसमें होगा नहीं ना, ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, ये बेंडिंग मोड है, तो बोलते हैं सिमेट्रिकल बेंडिंग, और इसको सीजरिंग मोड भी बोलते हैं, ठीक है, सीजरिंग मोड मतलब कैची की तरह है ना, ये जैसे कैची चलती है ना, कैची, कैची का तो आपको पता ही होगा, तो वो वैसे ही कैची जैसे चलता है। कैची एक प्लेन में एक दूसरे की तरफ आ सकती है, एक दूसरे से अपोजिट जा सकती है, प्लेन के ऊपर नहीं जा सकती है ना। तो अगर हम अगेन इसका ट्रांसमिटेंस बनाए, तो अगर इस तरह से ट्रांसमिटेंस रहेगी और इस तरीके से एब्जॉर्बेंस रहेगी, इस तरीके से नंबर्स रहेंगे, ठीक है। तो समवेयर अराउंड अगर आईआर स्पेक्ट्रा ले रहे हैं तो इस तरीके से मिक्सड रहेगा, ठीक है। 3700 के अराउंड एक पीक मिल जाएगी, ये हमारा 4000 है, 3000 है, ये हमारा 4000, ठीक है। और एक हमको पीक मिलेगी, मतलब यही मिल जाएगी, नेक्स्ट पीक मिलेगी समवेयर अराउंड 1500, ठीक है। और अगर आप इसका ही 1500 है ना, मोर ये भी लिखे थे सिमेट्रिकल एंटी सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, सिमेट्रिकल बेंडिंग, अगर आप इसी का स्पेक्ट्रा लोगे रोमन स्पेक्ट्रा, तो आपको एक पीक यहां पर मिलेगी। अब मैं इसको एब्जॉर्बेंस की, क्योंकि एक जगह पर गई है तो
ठीक है, मैं इसको एब्जॉर्बेंस की टर्म्स में बता देता हूँ। एग्जैक्टली इस तरीके से पीक आएगी, यहाँ पर 3700 रहेगा, यहाँ पर 1500 रहेगा, ठीक है, और एक छोटी सी पीक आएगी जो एग्जैक्टली इसके सेम ही रहेगी, सेम उस पर 1500 कह रहा हूं। तो सारे मोड्स दिखाई देंगे, यानी आईआर एक्टिव भी है ये मोड्स और रमन एक्टिव भी। नेक्स्ट टॉपिक जो हम कंसीडर करेंगे वो कंसीडर करेंगे इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर स्पिन इन रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो ये देखते रहिए, ये एक अच्छा सा वीडियो है, मुझे लगता है थोड़ा सा तो बढ़ गया, मतलब ये वाला भी बढ़िया टॉपिक है, वो लास्ट वाला टॉपिक और भी अच्छा रहेगा। तो देखते रहिए हमारा काम, पसंद करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।